नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज कुछ खास है और इस खास दिन आज खबरों का जिक्र जो होगा वो मास्टर स्ट्रोक के जरिए एक घंटे में होता चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज आठ तस्वीरें आपको दिखलाएंगे नहीं, एक दूसरी स्थिति आपको दिखलाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार जिक्र परिवार का हो रहा है। ये परिवार क्या होता है? संघ परिवार? आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए। दूसरा सवाल आपके आएगा, जी नहीं, गांधी नेहरू परिवार, यह भी सवाल आपके जहन में आना चाहिए। तो बहरहाल परिवार के जरिए पहले दो तस्वीरों को टटोलते हैं। ये दो तस्वीरें आज बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ नागपुर और दूसरी तरफ पटना, एक तरफ यूपीए में सेंध लगाते हुए प्रणब मुखर्जी को बुला लिया गया नागपुर, तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक, महाभोज का आयोजन। लेकिन दोनों तरफ दो स्थितियां हैं। नागपुर में अगर राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते प्रणब मुखर्जी बहुत सारे ऐसे संदेश दे गए जो शायद संघ के अनुकूल ना हो, तो दूसरी तरफ महाभोज के दौर में आरएसपी ने बायकॉट कर दिया, कुशवाहा पहुंचे नहीं, यानी कहीं ना कहीं जायका कमजोर पड़ गया। और आइए अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट के आश्रय जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों प्रणब मुखर्जी भाषण देते वक्त इन बातों का जिक्र करते हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर और नेशनलिज्म और कांग्रेस की राष्ट्रीयता, मौजूदा वक्त की परिस्थितियां, हर बात का जिक्र तो हो रहा है, इन बातों के पीछे गूढ़ मंत्र है क्या? तो पहली रिपोर्ट इसी पर। भारत की धरती पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत पुत्र है। टुडे आई एम हियर amidst you to share my understanding the concepts of nation, nationalism and patriotism. सदावत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदावत्सले। तो प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंचे, संघ परिवार के बुलावे पर पहुंचे और राष्ट्रीयता के संदेश तले महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब अंबेडकर का भी जिक्र किया और विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण मिशन के विचारों को भी छुआ। तो क्या रिलीजियन कंजर्वेटिव के तौर पर प्रणब मुखर्जी को परखा जाए, या फिर भारतीय संस्कृति में विचारों और धर्मों के आश्रय राष्ट्रीयता की उस लकीर को छूने की कोशिश में देखा जाए जहाँ संघ परिवार जाना नहीं चाहता है। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। या फिर हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ मान भारतीय संस्कृति के हर रूप को उसमें समाहित मान लिया जाए। व्याख्या अलग अलग तरीकों से हो सकती है, पर यहाँ सवाल प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रीयता को लेकर उनकी समझ या ज्ञान का नहीं है, ना ही उनकी बौद्धिकता के आईने में भारत को किस रूप में देखा जाना चाहिए, बहस इस पर है। सवाल सिर्फ इतना है कि स्वयंसेवकों की जो कतार 3 बरस का ओरिएंटल कोर्स पूरा करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में काम शुरू करेगी, उसके जहन में प्रणब मुखर्जी का भाषण होगा या फिर संघ की ट्रेनिंग होगी जो उसने बचपन से देखी समझी। एज गांधी जी एक्सप्लेन्ड, इंडियन नेशनलिज्म वाज नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट एग्रेसिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव। इट वॉज दिस वेरी नेशनलिज्म दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू so vividly expressed in the discovery of India, and I quote, I am convinced that nationalism can only come out of the ideological fusion of Hindu, Muslims, Sikhs and other groups in India. हिंदू समाज में एक अलग प्रभावी संगठन खड़ा करने के लिए संघ नहीं है, संघ तो संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है और इसलिए हमारे लिए कोई पराया नहीं है। और ये सवाल बड़ा है कि संघ के हेडक्वार्टर में प्रणब मुखर्जी चाहे पूर्व राष्ट्रपति की हैसियत से पहुंचे, पर प्रणब मुखर्जी की पहचान ही जब खांटी कांग्रेसी और इंदिरा गांधी के करीबी होने से लेकर एक परिपक्व नेता के तौर पर है, तो फिर नागपुर यात्रा सिर्फ संघ के तीसरे वर्ष के ओटीसी के समापन भर के आईने में देखी नहीं जा सकती। प्रचार कर हम तो सरकार
soul of India resides in pluralism and tolerance. This plurality of our society has come through assimilation of ideas over centuries. तो क्या प्रणब मुखर्जी की नागपुर यात्रा ने दो संभावनाओं को जन्म दे दिया है? पहला, कांग्रेस बीजेपी के बीच की धारा जन्म ले सकती है। दूसरा, नेहरू गांधी परिवार माइनस कांग्रेस की सोच को जन्म दिया जा सकता है। दोनों संभावनाओं के पीछे संघ परिवार खड़ा होगा तो प्रणब मुखर्जी की यात्रा के वक्त महीन दिखने वाली राजनीति आने वाले वक्त में मोटी लकीर में तब्दील हो सकती है। पर पहली बार रणनीतिक तौर पर यह भी सामने आया कि संघ उस राजनीति को साधने में लगा है जहां नेहरू गांधी परिवार खारिज हो जाए, यानी कांग्रेस मुक्त भारत के मोदी के बयान से कई कदम आगे की यह सोच है। तो क्या संघ परिवार के भीतर सावरकर और हेडगेवार की विचारधारा से आगे राजनीतिक शुद्धिकरण के नए बीज पनप रहे हैं, या फिर संघ के भीतर ये सवाल है कि सिर्फ मोदी के आश्रय ना तो बीजेपी को खींचा जा सकता है, ना ही बीजेपी को विस्तार दिया जा सकता है, और भविष्य के लिए किसी नई राजनीतिक लकीर को खींचने की कितनी संभावना है, इसे प्रणब मुखर्जी के आश्रय संघ ने परखने की कोशिश तो की है, नकारा इसे भी नहीं जा सकता। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है आजादी के बाद वो कोई राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक हिंदुस्तान का अनूठा सच था, जहां पार्टी है वही देश है। तो दिल्ली की पहचान सिर्फ कांग्रेस से नहीं थी, बल्कि गली गली की पहचान थी। ऐसे में संघ के भीतर से एक सवाल उठा, बीजेपी दिल्ली पर काबिज हो जाती है पर गली गली की पार्टी कैसे बनेगी, यानी दिल्ली से गली तक? तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रणब मुखर्जी को ही क्यों बुलाया गया। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी प्रणब मुखर्जी हो नहीं सकते और प्रणब मुखर्जी मोदी बन नहीं सकते, पर प्रणब मुखर्जी के आश्रय संघ परिवार बीजेपी को उस कटघरे से तो बाहर निकाल सकता है जहां वो सिर्फ हिंदुत्व का चोगा ओढ़े हुए नजर आए। क्योंकि संघ इस हकीकत को समझने लगा है कि आरएसएस की राजनीतिक सक्रियता ने नरेंद्र मोदी को पीएम के पद पर पहुंचा दिया, पर बीजेपी दिल्ली से गली तक की पार्टी अब भी बन नहीं पाई है। यानी एक तरफ मोदी का कद प्रांतीय से राष्ट्रीय होते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, और मोदी सरकार कद्दावर हो रही है, फिर पावरफुल सरकार के साथ बीजेपी को भी पावरफुल होना पड़ेगा, और इसके लिए सिर्फ संगठन नहीं विचारधारा भी चाहिए। आधार उन्हीं मुद्दों को बनाना पड़ेगा जिसे कांग्रेस के दौर में विवादास्पद तौर पर प्रचारित किया गया, यानी कॉमन सिविल कोड, धारा 370 और हिंदुत्व। कॉमन सिविल कोड और धारा 370 को लेकर संघ समाज में चर्चा चाहता है, और इसके लिए बीजेपी संगठन को वैचारिक तौर पर मजबूत होना होगा, और ये मजबूती हिंदुत्व को सांप्रदायिकता के बाहर निकाले बिना संभव नहीं। तो खांटी कांग्रेसी प्रणब मुखर्जी चाहे संघ और सावरकर को खारिज करे, पर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के बोल तो बोलेंगे। एवरी डे वी सी इंक्रीज्ड वायलेंस अराउंड अस, एट द हार्ट ऑफ दिस वायलेंस इज अ डार्कनेस, फियर एंड मिस्ट्रस्ट। और इसी के आश्रय संघ उस जमीन को पुख्ता करेगी जिस जमीन को कांग्रेस ने हिंदुत्व शब्द को ही सांप्रदायिकता से जोड़कर बीजेपी को अलग थलग कर दिया। असल में संघ प्रणब मुखर्जी की इसी लकीर को खींचना चाहता है जिससे हिंदुत्व शब्द सांप्रदायिकता के कटघरे में ना खड़ा किया जाए। इसके लिए संघ का 3 सूत्रीय पाठ है। पहला, बीजेपी को मुस्लिम विरोधी दिखाई नहीं देना है। दूसरा, बीजेपी के सहयोगियों को साथ लेकर चलना है। और तीसरा, कांग्रेसियों को गांधी परिवार से इतर देखने के हालात बनाने हैं। दरअसल संघ को लगने लगा है कि बीजेपी के पास एक मौका आया है जहां बीजेपी अपने कैनवास को इतना फैला सकती है कि देश के हर तबके के भीतर एक राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर बीजेपी को पहचान मिल जाए। यानी आजादी के बाद जो पहचान कांग्रेस की थी वही पहचान मौजूदा दौर में बीजेपी को अपनी बनानी होगी, और इसके लिए महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल की सोच को बीजेपी के साथ जोड़ना होगा। दरअसल संघ के भीतर बीजेपी को लेकर लगातार यही मंथन हो रहा है कि आजादी से पहले कांग्रेस को जितनी मान्यता देश में थी उसी तरह आज की तारीख में बीजेपी को वैसी मान्यता क्यों नहीं मिल सकती। मोदी, 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 मोदी,
जबकि वो बहुमत में है और इसी विषाद पर प्रणब मुखर्जी वो चेहरा है जो चल निकला तो ठीक, ना चला तो फिर संघ की सोच ठीक, जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। दरअसल इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में एक सवाल उभरेगा। इससे पहले आरएसएस ने कभी नेहरू गांधी परिवार को निशाने पर नहीं लिया, फिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि मौजूदा वक्त में इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि हां निशाने पर लिया जा सकता है, वह भी नेहरू गांधी परिवार को? इतिहास के पन्नों को टटोले या फिर आगे लिए चले, आपको जिन स्थितियों में चलना है चलिए, लेकिन शुरुआत हम आपको दिखलाते हैं कि आखिर रिश्ते बेहद निकट हुआ करते थे एक वक्त संघ परिवार और नेहरू गांधी परिवार के। क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? कुछ लोग ये मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री पद है वो एक ही परिवार के लिए रिजर्व है। पंडित नेहरू जी ने कहा था धारा 370 को लेकर के, ये धारा समय रहते घिसते घिसते घिस जाए। ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दिया। बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी के निशाने पर नेहरू परिवार है, यानी जिस परिवार को कभी संघ परिवार ने निशाने पर नहीं लिया, जिस परिवार को लेकर श्याम प्रसाद मुखर्जी से लेकर वाजपेयी और आडवाणी तक खामोश रहे, या कहें सीधे टकराव कभी मोल नहीं लिया गया, उस समूची राजनीतिक विचारधारा से अलग पहली बार नरेंद्र मोदी ने सोनिया, राहुल, प्रियंका पर सीधे हमला क्यों कर दिया, और मोदी के हमले को लेकर वही संघ परिवार खामोशी से मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहा है, और पहली बार उस प्रणब मुखर्जी के जरिए गांधी नेहरू परिवार पर हमला बोलना चाह रहा है जो खांटी कांग्रेसी है, पर कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार है। तो क्या मौजूदा वक्त में राहुल गांधी के मंदिर मंदिर जाने से संघ परिवार को अपनी बिसात फिर से बिछाने की जरूरत आन पड़ी? क्योंकि संघ इस हकीकत को समझता है कि कांग्रेस को जब तक नेहरू गांधी परिवार के अक्ष में देखा जाएगा तब तक वैचारिक तौर पर ना तो संघ का विस्तार होगा ना बीजेपी का, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटे तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को लेकर सरदार पटेल का रुख उतना नरम कभी नहीं था जितना संघ परिवार बताता है, बल्कि नेहरू का रुख संघ को लेकर नरम जरूर हुआ, और उसका खुला नजारा चीन के साथ युद्ध के बाद नेहरू का संघ परिवार के पक्ष में खुलकर बोलना रहा। ১৯৬৩ की यह तस्वीर हर किसी को याद आ सकती है जब 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में संघ के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। उस वक्त नेहरू ने बकायदा सरसंघचालक गुरु गोलवलकर से संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने को कहा था। सिर्फ 2 दिन के वक्त में संघ के 3,500 स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस की परेड में शरीक हुए थे। आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था उनमें आरएसएस भी था। उस वक्त पहली बार खुले तौर पर चर्चा हुई थी कि संघ को राष्ट्रवादी संस्था के तौर पर नेहरू सरकार ने भी मान्यता दी थी, जबकि नेहरू के काल में ही महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में प्रतिबंध लगाया गया। यूं नेहरू का पंडित होना और संघ का हिंदुत्व राग दोनों कैसे टकरा रहे हैं ये राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष और जवाब से समझा जा सकता है। पंडित जनौधारी महामहा युवराज स्पष्ट करें, अयोध्या में राम की मंदिर बनेगा उस पर उनका क्या स्टैंड है? कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू। तो राहुल गांधी अगर पंडित हो गए तो मोदी ओबीसी होकर कैसे चलेंगे? क्योंकि एक वक्त नेहरू भी किसी भी जनसंघ के नेता पर इसलिए भारी थे क्योंकि वो हिंदुत्व का राग अपनाते हुए कांग्रेस की राजनीति को हर तबके से जोड़ते रहे। दरअसल नेहरू परिवार से संघ परिवार की करीबी की एक वजह कमला नेहरू के गुरु स्वामी अखंडानंद का होना भी है। रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी अखंडानंद कमला नेहरू के गुरु थे और स्वामी अखंडानंद से गुरु गोलवलकर की करीबी थी, और कमला नेहरू की मृत्यु के बाद नेहरू ने स्वामी अखंडानंद से ही वार्षिकी श्राद्ध कराने को कहा,
साथ ही एक अस्पताल खुलवाने का जिक्र किया, जिस पर उस वक्त गुरु गोलवलकर की सहमति से स्वामी अखंडानंद ने सहमति दी। हालांकि स्वामी अखंडानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। सवाल सिर्फ नेहरू परिवार से संघ परिवार की करीबी भर का नहीं, सवाल यह भी है कि जिस तर्ज पर मौजूदा दौर में संघ परिवार को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीधे निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे, वैसे हालात इससे पहले कभी थे नहीं और अब संघ परिवार को लगने लगा है। एक वक्त जेपी के पीछे संघ खड़ी थी, तो प्रणब मुखर्जी के पीछे खड़े होकर नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस को ही ठिकाने लगाया जा सकता है, क्योंकि 2019 में मोदी सत्ता से हटे तो फिर अगले बरसों बरस तक हालत नाजुक हो जाएगी। जरा कल्पना कीजिए, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सत्ता में आती है, बावजूद इसके उस वक्त सरसंचालक भाऊराव देवरस इंदिरा गांधी को निशाने पर नहीं लेते हैं। वो कहते हैं, भूल जाइए, माफ कर दीजिए, फॉरगेटेड एंड फॉरगिव। इस बात का जिक्र आज क्यों कर रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा कि असल में कांग्रेस और संघ परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार और संघ परिवार के बीच में खड़े होकर स्थितियों को भांपना शुरू कीजिए। वाजपेयी अडवाणी तक के युग तक तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, रिपोर्ट देखें। याद कीजिए 1974 में जब जेपी इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, तब जेपी के पीछे आरएसएस आकर खड़ा हुआ था, लेकिन इंदिरा ने कभी संघ परिवार को सीधे निशाने पर नहीं लिया। जेपी ने भी अपने आंदोलन के दायरे में आरएसएस को क्लीन चिट दे दी और इंदिरा ने जेपी पर निशाना साधने के लिए पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का तो जिक्र किया, पर संघ को निशाने पर कभी नहीं लिया, जबकि इमरजेंसी के दौर में ही संघ परिवार राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुआ था और तब के सरसंचालक बाला साहब देवरस बकायदा जेपी से मिलकर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने की विरोचना की। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की जीत और इंदिरा गांधी की हार के बाद जो पहला बयान संघ परिवार की तरफ से आया था, उसमें इंदिरा के खिलाफ कोई आवाज नहीं थी। बाला साहब देवरस ने तब जनता सरकार को यही सलाह दी थी, देश की जनता ने इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया, अब बदले की भावना से कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। उस वक्त देवरस ने कहा था, फॉरगेटेड एंड फॉरगिव, ये जुमला बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, लोकप्रिय हुआ, और असल में संघ परिवार और नेहरू परिवार कभी टकराए नहीं। इसका असर संघ के राजनीतिक स्वयंसेवकों पर भी पड़ा। आपके लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा कोई गुण चाहिए तो वो चाहिए, ये चाहिए कि एक विपरीत विचारधारा के बारे में भी सहिष्णुता का भाव हो। याद कीजिए, वाजपेयी अडवाणी और जोशी ने कभी इंदिरा से लेकर सोनिया राहुल तक पर सीधा निशाना नहीं साधा। 1971 के बाद तो वाजपेयी इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने से नहीं चूके, तो यूनाइटेड नेशन में वाजपेयी के हिंदी में दिए भाषण के बाद इंदिरा गांधी बतौर विपक्ष नेता होते हुए भी बधाई देने पहुंची। इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक के दौर में कई मौकों पर संघ के राजनीतिक स्वयंसेवक टकराए भी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी टीका टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुई। यहां तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त सेना भेजने पर इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से सलाह भी ली और वाजपेयी ने सेना न भेजने की सलाह भी दी, लेकिन खुले तौर पर कभी टकराव नहीं हुआ। संघ परिवार ने भी संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रम का समर्थन किया। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहने में संघ परिवार ने कोताही नहीं बरती, लेकिन वाजपेयी अडवाणी युग खत्म हुआ और मोदी युग शुरू हुआ तो मोदी के दौर में हर मर्यादा टूट गई। पर क्यों टूटी? तो परिवार का जिक्र करते करते हम दरअसल उस जगह पर आ गए जहां पर परिवार क्या मायने नहीं रखता है। जी, ये मौजूदा वक्त की जरूरत है और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी हैं। संघ से निकले जरूर हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में संघ के पास एक ताकत है, सत्ता की ताकत। और जिस तरीके से कटाक्ष, जिस तरीके से तलखी, जिस तरीके से सीधा वार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसके मतलब मायने क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देखें। वाजपेयी थे तो सुदर्शन हुआ करते थे, जो सोनिया को मौका देने से नहीं चुके, क्योंकि 2004 में शाइनिंग इंडिया के दौर में संघ परिवार ने खुद को वाजपेयी अडवाणी से दूर कर बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया। तब संघ सामाजिक आदर्शवाद खोज रहा था, वक्त बदला। अब मोदी है तो मोहन भागवत है, राहुल गांधी सामने है, पर संघ परिवार दीवार पर लिखी इस इबारत को साफ पढ़ रहा है कि जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने सत्ता की लगाम कसी है,
उसमें मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं वाले हालात पैदा हो चले हैं। और उससे पहले सत्ता की डोर इस लिहाज से कसना जरूरी है कि 2019 में लगाम छूट न जाए। इसको मैं अहंकार कहूँ या ना समझी कहूँ, जब ये कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, हर एक इंस्टीट्यूशन को एक के बाद एक आरएसएस के लोग अपने लोगों से भर रहे हैं। तो टकराव चरम पर है, क्योंकि प्रचारक की सत्ता है, बीजेपी मोदी के पीछे है, संघ मोदी के साथ है और मोदी के निशाने पर नेहरू गांधी परिवार है। दरअसल यहीं से असल सवाल शुरू होता है कि जिस दौर में प्रणब मुखर्जी सत्ता में थे तभी हिंदू आतंकवाद शब्द उभरा, संघ के आतंकी धमाकों से रिश्ते जुड़े। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कई कई बार भाषणों में जिक्र किया, कई बार उस वक्त के गृह मंत्री चिदम्बरम से लेकर सुशील कुमार शिंदे और कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल से लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह तक ने आतंकी ब्लास्ट को लेकर संघ परिवार को कटघरे में खड़ा किया। जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। संकीर्ण सांप्रदायिक विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी। दरअसल सीधे संघ पर हमले के बाद जिस तरह संघ के स्वयंसेवकों की घेराबंदी मनमोहन सरकार ने शुरू की और एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई, उसी के बाद संघ चौकन्ना हो गया। संघ से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद असीमानंद की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस ने इंद्रेश कुमार पर हाथ डाला और जिस तरह ये संकेत दिए कि आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सरसंघ चालक मोहन भागवत भी निशाने पर आ सकते हैं, तभी से संघ के भीतर ये सवाल उभरने लगा कि संघ को हर हाल में सत्ता चाहिए। मोदी की हिम्मत और सोनिया राहुल पर सीधे कटाक्ष की ताकत वहीं से मिली और संघ परिवार में पहली बार यह चर्चा हुई कि सत्ता मिली है तो सत्ता बरकरार रखने के लिए हर विकल्प को खोजना भी जरूरी है। शायद इसीलिए जब सर संघचालक सुदर्शन थे तब वह बीजेपी के कांग्रेसीकरण से नाराज हुए। मोहन भागवत ने नेहरू परिवार माइनस कांग्रेस में सेंध लगाने की इस वक्त सोची, यानी संघ तैयार है हर धारा को साथ लेने के लिए जिससे सत्ता बरकरार रहे, क्योंकि अब सवाल अस्तित्व का है। तो फिर मोदी से ज्यादा तीखा हथियार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ही नेहरू परिवार पर निशाना साध कर कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर खत्म किया जा सकता है, ये संघ मानता है। और हो भी यही रहा है, नरेंद्र मोदी अब कहीं भी मनमोहन सरकार नहीं कहते बल्कि मनमोहन सिंह की सत्ता को माँ बेटे की सरकार करार देते हैं। माँ बेटे की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया, पाप है ये, पाप तो माँ बेटे की सरकार का पाप है, देश तबाह किया है माँ बेटे की सरकार ने किया। और पहली बार आरएसएस के प्रचारक से सीएम की कुर्सी तक पहुँचे मोदी प्रधानमंत्री होकर सीधा हमला करते हैं तो आरएसएस कांग्रेस में सेंध लगाने की तैयारी करता है, यानी ये 2019 से पहले की वो बिसात है जिसे प्रणब मुखर्जी के आश्रय देखा तो जा रहा है। भारत की धरती पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत पुत्र है। टुडे आई एम हियर अमिडस्ट यू टू शेयर माय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशन, नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। प्रधानमंत्री अपनी हर योजना को लेकर लाभार्थियों से बात करते हैं, मरीजों से बात कर रहे थे वो आज। हमने भी सोचा इस देश में हेल्थ सर्विस क्या है, जरा जमीन पर चला जाए, देखा जाए, परखा जाए। जन औषधि केंद्र, सस्ती दवाएं आपको मिल जाएंगी, क्या हालत है ये जानना चाहते हैं तो देखिए, जरा बात सुनिए और उसके बाद इन स्थितियों को देखिए, एक तरह का रियल टेस्ट है ये। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत हमने यह सुनिश्चित किया है कि देश की जनता को दवाइयां कम से कम कीमत पर मिल सके। तो देश के आम लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने के मकसद से खोले गए जन औषधि केंद्रों के बारे में प्रधानमंत्री की राय तो यही है कि इससे न केवल आम लोगों को फायदा हुआ बल्कि जन औषधि केंद्र खोलकर युवाओं को रोजगार भी मिल गया।
तो प्रधानमंत्री की सोच अपनी जगह, लेकिन जमीन पर हाल क्या है ये दिखाने के लिए हम आपको बरेली लिए चलते हैं। जी, बरेली के कर्मचारी नगर का जन औषधि केंद्र, जहां अब दवाई की जगह किराना का सामान मिलता है। दरअसल दवाओं की सही और पूरी सप्लाई न होने की वजह से जब नुकसान होने लगा तो इस केंद्र के मालिक ने किराना का सामान बेचना शुरू कर दिया। केंद्र संचालक के मुताबिक जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की आपूर्ति का पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। जन औषधि केंद्र स्टार्ट हुए थे तब सिंगल टाइम तो जो दवाइयों की डिमांड की गई थी वो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल कराई गई, लेकिन उसके बाद वो दवाइयाँ जो है वो दोबारा अवेलेबल हो ही नहीं पाई। अगर हमें दवाइयाँ नहीं उपलब्ध करा पाएगी तो जन औषधि केंद्र चलाना तो मुश्किल होगा ही होगा। और आंकड़ों से समझे तो इस वक्त देश में तकरीबन 3,214 जन औषधि केंद्र है। योजना के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन केंद्रों पर जेनरिक दवाओं की सतत आपूर्ति करे, लेकिन हाल ये 700 दवाओं में से 200 से 250 दवाओं भी बामुश्किल आपूर्ति होती है। और देश भर के सभी केंद्रों पर दवाओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी सिर्फ एक कंपनी यानी BPPI पर है। और जब दवाओं की आपूर्ति होती नहीं तो मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ता है और जन औषधि केंद्रों को चलाने वालों को घाटा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने केंद्र खोलने में खासा निवेश कर दिया यानी पैसा लगा दिया, अलबत्ता पैसा फंस गया। तो एक दो बार मिल जाती है, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, कहीं मिलती नहीं है, शॉर्टेज बहुत रहती है यहाँ पे दवाइयों का। इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, स्टॉकेज नहीं है, तो इनके पास आपूर्ति रहती है दवाइयों की। जो BBPI कंपनी जिसको अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट इंडिया का टेंडर हुआ है भारत सरकार के साथ, वो हमें दवाइयाँ देने में पूरी तरह से फेल है। दवाइयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि हमारे 2 स्टोर बंद हो चुके हैं जिनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। जब दवाइयाँ दुकानों तक पहुँच ही नहीं रही हैं, जन औषधि केंद्र तक आ ही नहीं रही, तो आखिर वो आगे सप्लाई कैसे की जाएंगी, एक बड़ी समस्या जो तमाम दुकानदार इस समय इस बात से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि उनका कहना है कि आमदनी तो इन जन औषधि केंद्र से हो ही नहीं पा रही है, साथ ही साथ जो कुछ ग्राहक आते भी हैं वो अब आना बंद हो चुके हैं क्योंकि दवाइयों की सप्लाई टाइम पर नहीं होती, और अगर होती भी है तो कई बार दवाइयों की एक्सपायरी डेट इतनी कम होती है कि लोग उसे लेने से मना कर देते हैं। दरअसल सच यह भी है कि हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट कंपनी और अस्पतालों की तूती बोलती है, ऐसे में जन औषधि केंद्र किसी छलावे से कम साबित नहीं हो रहे। और इस योजना की शुरुआत 2008 में मनमोहन सरकार ने इस मकसद से की कि जेनरिक दवाएं आसानी से उपलब्ध हो, मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने की मजबूरी से बचाया जा सके। और तब तय हुआ कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर जेनरिक दवाएं लिखेंगे, लेकिन सत्ता की उदासीनता देखिए, 2008 से 2013 के बीच सिर्फ 157 जन औषधि केंद्र ही खोले जा सके और 2014 में महज 11 नए केंद्र ही खुले। और मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को नया क्लेवर दिया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना शुरू हुई। शुरुआती 2.5 वर्ष में 3,000 से ज्यादा केंद्र भी खुले, लेकिन 4 वर्ष होते होते केंद्र ठप होने लगे। मसलन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तराखंड में 14 जन औषधि केंद्र चलाती है, लेकिन संचालक मानते हैं कि सारी दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती, यानी सरकार कोई रहे सिस्टम वही रहता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तहत 700 दवाइयां यहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, तो भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत उतनी दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दवाई भेजने में जो BPI वाली दो दवाई भेजने में है उनकी तरफ से देरी हो रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि निजी दवा कंपनियों के मुनाफे के खेल में सरकारी जन औषधि केंद्रों का टिकना संभव ही नहीं, या सरकारी लापरवाही, उदासीनता और भ्रष्टाचार का त्रिकोण इस हद तक सिस्टम पर हावी है कि मरीजों के लिए जेनरिक दवा पाना संभव ही नहीं? पर जो दवाई हमें चाहिए वो मिलती नहीं है, आवश्यकता की दवाई आती नहीं है। शुगर की दवाइयाँ यूज करते हैं, शुगर है लेकिन मिलती नहीं है। BP की दवाई बहुत कम आती है, यहाँ से नहीं मिल पाती, मार्केट से ले लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, किसी लाभार्थी से बात करें, लेकिन सच यही है, अधिकांश जन औषधि केंद्रों की हालत खराब है। और जब मरीजों को सस्ती दवाएं मिल नहीं पा रही तो पूरी योजना ही कटघरे में है। लेकिन सवाल यही, जब दौर देख दिखाकर पब्लिसिटी बटोरने का है तब इन केंद्रों को सुधारने का काम करेगा कौन? एक ओबामा केयर, दूसरा मोदी केयर, जहन में कौन सा नाम आ रहा है? आपके जहन में नाम आ रहा होगा आयुष्मान योजना। इसका मतलब है 2019 के लिए क्या वाकई ये गेम चेंजर है? परिस्थितियों को टटोले
या फिर इस रिपोर्ट को देखें, दोनों स्थितियों में तुलना शुरू करना शुरू कर दीजिए। एक तरफ ओबामा केयर, दूसरी तरफ मोदी केयर, बीच में आयुष्मान योजना। आज जब मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ आया हूं तो आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण और ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत करने के लिए आया हूं। तो प्रधानमंत्री ने बीजापुर की धरती से जब आयुष्मान योजना को लॉन्च किया तो लगा यही कि अब देश की स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आ जाएगी। तुलना ओबामा केयर से होने लगी, उम्मीद जगी, कम से कम कोई गरीब इलाज के अभाव में मरेगा तो नहीं। लेकिन सपने देखने दिखाने और सपनों के पूरा होने में अंतर तो होता है, तो फिर आयुष्मान योजना इससे अलग कहां? और जिन अस्पतालों पर आयुष्मान योजना को जमीन पर साकार करने का जिम्मा था, अगर वही हाथ खड़ा कर दें तो आप क्या कहेंगे? जी, प्राइवेट अस्पतालों और उसके डॉक्टरों ने कम बजट के चलते आयुष्मान योजनाओं से किनारा करने का मन बना लिया। जो पैकेज रेट्स फिक्स किए गए हैं उसमें विचार करने की कुछ आवश्यकता है। एचपीआई ने चिट्ठी भी एक लिखी है। और सच तो यही है, प्राइवेट अस्पतालों के बिना आयुष्मान योजना धरातल पर सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि देश में 40% स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी, 60% स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। और ऐसे में मुश्किल ये कि एचपीआई यानी एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने 31 मई को आयुष्मान योजना के सीईओ इंदु भूषण को चिट्ठी लिखी कि आयुष्मान योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे। डॉक्टरों का कहना है सरकार बहुत कम पैसा दे रही है और हम इतने में इलाज कर नहीं पाएंगे, और कर्नाटक में हुई केस स्टडी के बराबर पैसा मिलेगा तभी इलाज संभव है। और चिट्ठी के साथ जिन 12 गंभीर बीमारियों का इलाज होना है उसकी रेट लिस्ट भेज दी गई जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। मसलन हार्ट सर्जरी में वॉल्व रिप्लेसमेंट के लिए कर्नाटक सरकार की केस स्टडी में पाया गया 2,77,609 रुपए, जबकि एनएबीएच यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कहता है हार्ट सर्जरी में वॉल्व रिप्लेसमेंट में 1,51,254 रुपए लगते हैं, जबकि आयुष्मान भारत के नए पुराने दोनों रेट के तहत सिर्फ 1,20,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। घुटना ट्रांसप्लांट के लिए कर्नाटक सरकार की केस स्टडी कहती औसतन 1,98,207 रुपए लगते हैं, एनएबीएच कहता है 1,49,100 रुपए, और आयुष्मान योजना के पुराने रेट में 90,000 देने की बात कही है। और जब रेट रिवाइज किए गए तो उसे 10,000 कम कर 80,000 कर दिया गया, यानी पैसे बढ़ाने के बजाय घटा दिए गए। कैंसर यानी ट्यूमर के इलाज के लिए 2,05,398 रुपए, एनएबीएच कहता है 35,211 रुपए में ट्यूमर का इलाज हो जाएगा, सरकार ने भी 35,000 रुपए मंजूर कर दिए। और जब रेट रिवाइज किया गया तो 50,000 किया गया, लेकिन फिर प्राइवेट अस्पताल कहते हैं सरकार ने उतने पैसे नहीं बढ़ाए जितने बढ़ाने चाहिए। तो जाहिर है प्राइवेट अस्पतालों का हित मुनाफे में छुपा है। उनका कहना है सरकार बिना चर्चा के कुछ थोप नहीं सकती। आयुष्मान भारत योजना सबसे पहले सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगनी चाहिए, वो सारे मरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने चाहिए। जब तक कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की डिमांड है कि उनका पैकेज कम है, उस पैकेज को रीलुक करना चाहिए। सवाल कई, पर पहला सवाल, क्या सरकार आयुष्मान भारत योजना का फंड बढ़ाएगी? दूसरा, अगर सरकार ने फंड नहीं बढ़ाया तो क्या प्राइवेट अस्पताल इलाज करेंगे? और तीसरा, अगर प्राइवेट अस्पतालों को बाध्य किया गया तो फिर सवाल गुणवत्ता का होगा, कमी आएगी? और इन तीनों सवालों के बीच प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत भारत में ही फंस गई, क्योंकि इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5,00,000 रुपए का सालाना मेडिकल बीमा का प्रावधान है, हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाने हैं और उनमें 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल और सरकार तो टकरा रहे हैं। तो इलाज होगा कहां? तो पहले इलाज इस टकराव का कर लिया जाए, कुछ भरोसा रखा जाए। आयुष्मान भारत योजना की सफलता के लिए जरूरी है कि लगभग 20,000 अस्पताल इसमें शामिल हों, जो कि केवल सरकारी अस्पतालों के दम पर संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी ये होगा कि जल्द से जल्द सरकार कम से कम एम्स को एक बेस मॉडल बनाकर अपनी कॉस्टिंग करे और उसके बाद निजी अस्पतालों से बात करे, वरना ये योजना भी खटाई में पड़ जाएगी। रत्ना शुक्ला आनंद, एबीपी न्यूज, दिल्ली। उस्तादी उत्साह से संभव लगता नहीं लेकिन हो जाती है। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक उस्ताद योजना लेकर आती है।
आप सोचेंगे तो क्या उस्ताद बन गए? जी नहीं, जिन्हें उस्ताद बनाना है उन्हीं से उस्तादी अगर अधिकारी कर जाएं तो आप क्या कहेंगे? कहिए मत, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा देश ऐसे भी चलता है। काशी की धरती मशहूर है यहाँ के मंदिरों, घाटों, पान और हथकरघा उद्योग के लिए, लेकिन आज हथकरघा उद्योग की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। और अगर आप इस मजदूरों की और यहाँ के बुनकरों की स्थिति के बारे में समझेंगे और जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह से काशी की जो पहचान बुनकरों और यहाँ के हथकरघा उद्योग की वजह से है वो ख़त्म सी होती जा रही है। तो काशी की इसी पहचान को जिंदा रखने के नाम पर 2015 में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक शिल्पकला और हस्तकला कारीगरों के लिए उस्ताद योजना शुरू की। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, तो योजना भी वहीं शुरू हुई। लेकिन 3 बरस बीत गए पर अब तक कम से कम वाराणसी में भी एक भी उस्ताद पैदा हो ना पाया। उस्ताद बनाने वाली इस योजना की हकीकत इसी से समझ लीजिए कि इस क्षेत्र से जुड़े ज्यादातर लोगों को योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है। हम लोग को तो कोई चीज मालूम ही नहीं है, मजदूर तबके के लोग को किसी को मालूम नहीं है, कोई योजना के बारे में नहीं मालूम। मालूम होगा जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसे, उन लोग को मालूम होगा, हम लोग को कोई मालूम नहीं है। पर उस्ताद योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाना था। चिकनकारी, लहरिया, फुलकारी जैसी कुल 33 पारंपरिक शिल्पकारी और दस्तकारी कलाओं का विकास करना था। ऐसे लोगों को तैयार करना था जो उस्ताद बने और बेहतर उत्पाद बना सके जिससे कमाई बढ़ सके। एक शिल्पकार सामान्य कारीगर की श्रेणी में है और अगर उस्ताद बन जाता है तो आने वाले समय में ढेर सारे दूसरे लोगों को भी जो है वो कारीगर के रूप में तैयार कर सकता है। जो उस्ताद तैयार होते हैं उस हुनर हाट में उनको स्टॉल दिया जाता है जो भविष्य में बाजार से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इस योजना का फायदा तो तब होता जब इसकी शुरुआत होती और वाराणसी में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर। लेकिन यहाँ फिलहाल कोई अल्पसंख्यक अधिकारी है ही नहीं तो शुरू कौन करे? और इस विभाग का काम देख रहे समाज कल्याण अधिकारी साफ शब्दों में कहते हैं, वाराणसी में अब तक उस्ताद योजना नाम की कोई चीज जमीन पर उतरी ही नहीं। इस योजना में जनपद वाराणसी में कोई विशेष काम नहीं हुआ है और इसमें काम करने की आवश्यकता है। जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है उसके हिसाब से अभी 3 साल में किसी को बनारस में ट्रेनिंग, अभी किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो 3 बरस तक उस्ताद योजना के नाम पर नेता और अधिकारी सिर्फ कागजों पर उस्तादी दिखाते रहे, क्योंकि अब तक इस योजना के नाम पर 59 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस बरस भी 22 करोड़ का बजट है। और जब अधिकारियों से पूछा गया इतना पैसा कहां गया तो जवाब मिला शिल्पकारों के वर्कशॉप पर खर्च हो गया। और अधिकारियों ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उस्ताद योजना के तहत देश में कितने ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। हाँ, सरकारी आंकड़े बतलाते हैं 2016-17 में तकरीबन 16,000 लोगों को प्रशिक्षित कर दिया गया, 38 एजेंसियों को योजना के क्रियान्वयन का ठेका भी बांटा गया। और इन सब के बाद भी अगर उस्ताद योजना ठप तो फिर अधिकारियों की उस्तादी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और वाराणसी के लोहता इलाके में साड़ी बुनने के काम करने वाले फरीद पहलवान से जब हमने उस्ताद योजना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े उस्ताद पहले से बैठे हैं तो उन्हें क्या जानकारी होगी। सरकार तक तो योजना चला और यहाँ बढ़ भी गया, कहीं यहाँ कुछ आया नहीं, वहाँ चला भी, यहाँ बढ़ भी गया, सबको लाभ भी मिल गया, किसी को लाभ मिला ही नहीं। तो मिला जुला कर सब अधिकारी ले लेंगे और बड़े बड़े उसमें के जो एजेंट है, गरीब बेचारा अपना जहाँ गोल लूता है मतलब भटक रहा है। जो मजदूर हैं वो मजबूर हो चुके हैं और वो आज बनारसी साड़ियों का काम छोड़कर कोई रिक्शा चलाता है तो कोई आइसक्रीम बेचता है। सिर्फ वजह ये है कि सरकार योजनाएं तो लेकर आती है लेकिन इन योजनाओं को उनके पास तक पहुंचाने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं। जो अधिकारी हैं वो एसी कमरों में बैठ के योजनाएं बना रहे हैं और एसी कमरों से ये योजनाएं निकलकर इन पतली संकरी गलियों तक नहीं पहुंच रही हैं। और यही वजह है कि सरकार चाहे उस्ताद योजना लाए चाहे कौशल विकास, सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई साबित होती जा रही हैं, क्योंकि बनारस की ये पहचान अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। एक सवाल और आपके जहन में आना चाहिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, अच्छे संस्थान हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें बच्चे पढ़ते हैं, शानदार संस्थान है, लेकिन एक भी टीचर नहीं जो नियमित हो, फैकल्टी नहीं, बावजूद इसके सब कुछ चल रहा है, दर्शन कर लीजिए, बड़ी मुश्किल से ये रिपोर्ट बन पाती है।
देश में तकनीकी शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर, इसे जानने के लिए सैकड़ों एकड़ में फैली इस खाली जमीन को देख लीजिए। जी, कोटा की वो जमीन जहां ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग बननी है। 2012 में ट्रिपल आईटी के कोटा में खोलने का ऐलान हुआ। 6 बरस बीत गए, बिल्डिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। शैक्षणिक संस्थानों में जब जब राजनीतिक दखलअंदाजी बढ़ती है तो नतीजा क्या होता है, उसकी जीती जागती मिसाल है कोटा की ट्रिपल आईटी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोटा शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रानपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उस भूखंड पर जहाँ पर कई साल पहले ट्रिपल आईटी को बन जाना चाहिए था। लेकिन मुश्किल यह है कि सरकारें बदल गईं तो प्राथमिकताएं भी बदलती चली गईं। सर आते हैं जयपुर से ट्रिपल आईटी वाले आते हैं, ये काम करवाया है बाउंड्री का, इनका जो फेंसिंग है इनका, बोला अब काम होगा आगे, इसमें कुछ कमियां है वो दूर होगी जब हो जाएंगे। और कोटा में ट्रिपल आईटी को खोलने की घोषणा उस वक्त हुई जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। 2012 में घोषणा होने के बाद गहलोत सरकार ने कोटा से 20 किलोमीटर दूर रानपुर में तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का आवंटन कैंपस के लिए कर दिया। 2013 में कैंपस का शिलान्यास भी हो गया, पर सत्ता बदल गई और सत्ता बदल जाती है तो क्या होता है, कैंपस का काम धरा का धरा रह गया। अब चुनाव दोबारा नजदीक आ रहे हैं, मामला फिर तूल पकड़ रहा है। आज भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद ट्रिपल आईटी कोटा के नाम पर प्रवेश पाने वाले छात्र आज जयपुर में अध्ययनरत हैं। सरकार की मंशा नहीं है, कोटा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। बहुत जल्दी ट्रिपल आईआईटी जो अभी जयपुर में चल रही है वो कोटा में स्थानांतरित होगी और यहाँ पर हम बेहतरीन भवन के साथ, अच्छे वातावरण के साथ लोगों को ट्रिपल आईआईटी की शिक्षा देने का काम करें। इस कार्यकाल के अंदर मुझे लगता है कि हम अगले सत्र को कोटा में ट्रिपल आईआईटी शुरू कर देंगे। तो राजनीति भले शुरू हो गई लेकिन कैंपस का काम शुरू नहीं हुआ जहां बिल्डिंग खड़ी होनी थी। हालांकि कैंपस निर्माण का ठेका सीपीडब्ल्यूडी को दे दिया गया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अगला सवाल फंड का, क्योंकि वक्त पर फंड जारी होता रहा तो ही 2020 तक कैंपस बनने के आसार। पर मुश्किल यह कि केंद्र सरकार ने अब तक सिर्फ 7 करोड़ रुपए जारी किए जबकि राजस्थान सरकार ने अभी तक 1 रुपए का फंड भी नहीं दिया। हाँ, इस बरस बजट में जरूर केंद्र सरकार ने 29 करोड़ और राजस्थान सरकार ने 6 करोड़ के फंड की घोषणा की, पर तमाम मिन्नतों के बावजूद पैसा जारी नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा हुई। कमी है वो फंड्स की कमी है, अभी हमको पैसा नहीं मिला है। 2020 में सोच रहे हैं ट्रिपल आईटी कोटा जो जयपुर से चल रहा है वो कोटा से चलेगा, अगर मतलब अगर फंड्स मिलते रहे। तो उच्च तकनीक शिक्षा को लेकर नजरिया सरकारों का होता क्या है और ट्रिपल आईटी कैंपस कैसे बनेगा और उधार का कैंपस ही चलता रहेगा, यह देख लीजिए जयपुर में उधार के फैकल्टी के बूते ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आलम यह है कि संस्थान के लिए फैकल्टी के नाम पर सुरक्षित 22 पोस्ट खाली, लेकिन फिक्र किसी को नहीं। और सच तो यही कि वसुंधरा सरकार ने 5 बरस में 1 पैसा भी ट्रिपल आईटी कोटा के लिए नहीं दिया। अलबत्ता चुनाव आ रहे हैं, राजनीति गर्मा रही है, पर जमीन जस की तस फिर से देख लीजिए। एपी न्यूज के लिए गौरव के साथ मनीष मिलकर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।